75वें बैच के सभी प्रशिक्षित अधिकारीगण, इनकम टैक्स में ट्रेनिंग सेंटर के सभी अधिकारीगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के, प्रसन्नजीत जी जो एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा में, जो इनकम टैक्स सेवाओं से हैं और लोकसभा में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं सभी का आपका इस संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। देश की और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में सबसे बड़ी विशालता, विविधता, विविध धर्म संस्कृति का यह हमारा देश है। भारत का संविधान जो हमें मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है, और संसद हो चाहे विधानसभा हो, देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के नियम प्रक्रियाओं से चलती है, और हमें गर्व है कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, सबको न्याय के आधारित ये संविधान हम सबको अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सजग करता है। आप जिस सेवा के अधिकारी हैं वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। किसी भी युग के अंदर अर्थतंत्र का हमेशा महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, और इसीलिए जिस देश का अर्थतंत्र जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा, उतना ही शासन तंत्र सामाजिक जन कल्याण के काम करते हुए लोगों को न्याय और अंतिम व्यक्ति तक की कल्याण की भावनाओं को पूर्ण कर पाएगा। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, जहां हमारा पहला पूरक बजट 173 करोड़ का था, आज इस 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने हमारे आर्थिक संसाधन जुटाए, और आर्थिक संसाधनों से इस 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी किए, और आज 40 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा बजट है। ये सब शासन प्रशासन के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम हमारे आर्थिक तंत्र को मजबूत कर पाए। आज भी दुनिया के अंदर जब कोविड के कारण विकसित देशों के भी सामाजिक आर्थिक ढांचे के अंदर बदलाव आया है, भारत ने कोविड से भी मुकाबला किया, और उसके बाद हमने आर्थिक सामाजिक और एक सशक्त आर्थिक तंत्र, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं के रूप में
पूरे विश्व के अंदर भारत मार्गदर्शन की भूमिका के अंदर। भारत को यह सम्मान मिला है कि G20 देशों का समिट भारत में होने जा रही है। इस G20 देशों के अंदर और G20 के साथ हमारे सहयोगी देशों को भी इस समिट में आमंत्रित किया जा रहा है। किस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसको वसुदेव कुटुंबकम सारा विश्व आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो, इसके लिए आने वाले समय में भारत नेतृत्व करेगा और वैश्विक मार्गदर्शन की भूमिका में रहेगा। उसमें आप सब अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है कि आपने जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी से भारत में आर्थिक तंत्र को मजबूत और पारदर्शिता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वन देश वन टैक्स GST प्रणाली को हमने एक पारदर्शिता तरीके से और एक व्यापारी उद्योगों और जितने भी हितकारक हैं उनके साथ मिलकर सरल सुगम बनाई है। इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर पेसलेस तकनीकी से किस तरीके से हम टैक्स देने वाले ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान हो और जो कर वंचन करता है, कर चोरी करता है, उन पर कार्रवाई हो, और इसीलिए सरकार ने उन टैक्स देने वालों का सम्मान किया है, क्योंकि टैक्स देने वालों की भी इस देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। जितने भी व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर जिस देश में ज़्यादा होगी वहाँ रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगी, और उस रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही बेहतर आर्थिक तंत्र हम स्थापित कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे चाहे कंपनी टैक्सेज में हो, चाहे इनकम टैक्स की पॉलिसी हो, चाहे GST की पॉलिसी हो, उस पारदर्शिता के कारण ही आज दुनिया का आर्थिक केंद्र भारत बनता जा रहा है। आप सब देश की सबसे लोकतांत्रिक संस्था संसद में आए हैं, यहाँ पर आप 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर यहाँ के अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, किस तरीके से समय समय पर टैक्स पॉलिसीज के अंदर, टैक्स की नीतियों के अंदर, नियमों में, कानूनों में परिवर्तन किया, और हर कानून हर नीतियाँ बनाते समय सरकार की जो मंशा थी वह भी आपके सामने आएगी, और उस नियम कानून बनाने में जो डिबेट हुई, जो संविधान संशोधन करने में जो डिबेट हुई, चर्चा हुई, उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन और रिसर्च से ही आपको आगे भविष्य में आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके इनकम टैक्स के कानून आपको पढ़ने, उन इनकम टैक्स कानूनों के अंदर कब कब भारत की संविधान में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के क्या क्या कारण थे, सरकार ने क्या पक्ष रखा, प्रतिपक्ष ने क्या विषय रखा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की ये विशेषता है, सहमति असहमति, चर्चा संवाद, और उसके साथ फिर बेहतर परिणाम निष्कर्ष, उस अमृत से कल्याण। और इसी कारण से आप उन डिबेट के अंदर
हर कानून बनते समय, संविधान के संशोधन के समय डिबेट को आप देखोगे तो जो कुछ भी आशंका व्यक्त मानो प्रतिपक्ष ने की थी, वो आशंका उनकी क्या थी, सरकार ने आशंका का कैसे समाधान किया, और कई कानून जो सर्वसम्मति बने, जिसमें सभी दलों की सहमति बनी, और सभी दलों की मतलब सारे देश की सहमति बनी, ऐसे कानूनों को भी अध्ययन करने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको इनकम टैक्स कानून किताब में पढ़ने के साथ साथ आपको उसके बनने वाले कानून के प्रैक्टिकल रिसर्च पे जाओगे, तो आप कभी भी निर्णय करते समय आप एक बेस्ट वकील की तरह, एक बेस्ट जज की तरह, वकील की जज की तरह न्याय करेंगे। और हमारे जीवन में एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि जो टैक्स देने वाला उसका सम्मान, टैक्स देने के लिए दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास, और जो टैक्स वंचन कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको रोकने के गंभीरतम प्रयास। हमने अगर इस तरीके के भाव से काम किया तो हम व्यापारी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को और लाने में कामयाब होंगे। और जितना ये सेक्टर आएगा, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आजकल तो सर्विस सेक्टर के अंदर भी बड़ा काम हो रहा है, हमारे नौजवान बड़े स्टार्टअप के रूप में 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप ने किस तरीके से, हमारे नौजवानों ने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया, वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया, भारत में व्यापार इंडस्ट्रीज को सुगम सरल बनाया, अंतिम उपभोक्ता तक हर वस्तुओं को पहुंचाना, उसकी डिमांड के अनुसार उसके नए इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, तो ये सब लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो, उनको लगे कि हम केवल रेवेन्यू के अधिकारी, केवल टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं है, हम उनके बेहतर सलाहकार भी हैं, किस सेक्टर के अंदर क्या सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, नए लोगों को लाना, उनको सलाह देना कि इस सेक्टर के अंदर दुनिया में ग्रोथ हो रही है, दुनिया में ये डिमांड है, आप इस सेक्टर के अंदर काम करें। तो मुझे लगता है कि ये एडवाइजरी के रूप में भी आप उनको काम करो बताओगे तो वो नई इंडस्ट्री लाएंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ काम लाएंगे, कुछ व्यापारी लाएंगे, कुछ ट्रेडिंग में लाएंगे, ये सारे कामों को लाते हुए आर्थिक मजबूत हब अपन को बनाना है, और हमें इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो एक बेहतर परिणाम हम लाएंगे। आप सबको संसद में धन्यवाद, और आप निश्चित रूप से यहाँ जो सीखेंगे, जो अनुभव करेंगे, माननीय संसद सदस्यों से, एक्सपर्ट लोगों से आपकी चर्चा संवाद होगी, उससे एक बेहतर परिणाम निकलेंगे, और आपकी कार्य कुशलता के अंदर भी वृद्धि होगी। तकनीकी रूप से आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान में भी आपको यहाँ की डिबेट और चर्चा से बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।